हेलो एवरीवन, मैं वंदना आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन फूडी फूडी पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ होली स्पेशल ठंडाई रेसिपी। बिना ठंडाई अधूरी सी लगती है हमारी होली। होली के अवसर पर मीठा और ठंडाई स्पेशली बनाया ही जाता है। ठंडाई ड्रिंक पीने में बहुत ही अच्छी लगती है। यहाँ पर हमने आपको तीन फ्लेवर में ठंडाई ड्रिंक्स दिए हैं। पहला है गुलाब फ्लेवर यानी गुलाब ठंडाई, दूसरा है केसरिया ठंडाई यानी केसर वाली ठंडाई, और तीसरा हमने यहाँ पे पान फ्लेवर दिया है। ये भी बहुत अच्छी लगती है पीने में। ये तीनों ठंडाइयों को ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छी लगती है, यकीन मानिए। स्वाद के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी हैं, इनको ज़रूर ट्राई करिएगा। गुलाब हमारे दिमाग को ठंडा रखता है, केसर हमारे दिमाग को तेज़ करता है, और पान हमारे मन को बहुत खुश रखता है। तो इस फेस्टिवल ये तीनों फ्लेवर आप ट्राई करिए। इस वीडियो में बताऊंगी कि किस तरीके से ये तीनों फ्लेवर बनाने हैं। उसी के साथ हमने यहाँ पर आपको एक मसाला दिया है यानी ठंडाई मसाला दिया है। ठंडाई मसाला अगर आप एक दो दिन पहले बना करके रख सकते हैं तो उसको आप रख लीजिए, ताकि जिस दिन होली होती है उस दिन हमारे पास बहुत सारा काम वगैरह रहता है, तो ठंडाई बनाने में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल इंडियन फूडी फूडी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठंडाई बनाने के लिए हमने यहाँ पर 3 टेबल स्पून खरबूजे के बीज लिए हैं, 2 टेबल स्पून पोस्ता दाना लिया है, कुछ बादाम के पीसेज हैं, लगभग ये 15 से 20 होंगे, कुछ यहाँ पर ये पिस्ता के पीसेस हैं, लगभग ये भी 15 से 20 होंगे, कुछ काजू के पीसेस हैं, 15 से 20 काजू होंगे। 3 टेबल स्पून भर करके हमने यहाँ पर कद्दू के बीज लिए हैं। कद्दू के बीज ऑप्शनल हैं, लेकिन अगर आपके पास हो तो ज़रूर डालें, इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसकी जगह पर आप वाटरमेलन शीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लगभग 1.5 टेबल स्पून भर करके हमने यहाँ पर काली मिर्च ली है। काली मिर्च ठंडाई में बहुत ही अच्छी लगती है। इसके अलावा हम फेस्टिवल टाइम पर जब ये ड्रिंक बनाते हैं तो इसमें जब हम काली मिर्च का इस्तेमाल करते हैं तो फेस्टिवल टाइम पर जो भी हम तला भुना तेल वगैरह का जो ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसको पचाने में काली मिर्च काफ़ी ज़्यादा मददगार होती है। फेस्टिवल टाइम पर मीठा खाने से हमारे गले में खराश आ जाती है, उस खराश को मिटाने में भी काली मिर्च का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इसी काम को, जो काम काली मिर्च करती है, इसी काम को बेहतर ढंग से करने में सौंफ का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। सौंफ इसी काम को और अच्छे तरीके से करती है। यहाँ पर हमने 3 टेबल स्पून सौंफ भी लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम सौंफ और काली मिर्च तथा पोस्ता दाना को अच्छे से फ्राई करेंगे। गैस के ऊपर हमने अपना एक पैन रख लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे ये सौंफ, इसको अच्छे से फ्राई होने देंगे, और इसी के साथ हम पोस्ता दाना डाल देंगे। हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा इनको हमें फ्राई करना है। इस तरीके से हिलाते हुए गर्म तवे पर हमें इनको हल्का सा फ्राई कर लेना है। ये देखिए सौंफ और पोस्ता दाना से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इनको एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे ये कद्दू के बीज, इन्हें भी फ्राई करेंगे, और इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे ये खरबूजे के बीज। ये बीज भी हमारे हल्के से रोस्ट हो गए हैं। अब इसी में हम काली मिर्च भी डाल देंगे, इसको भी 2 मिनट इस तरीके से हम हिला लेंगे। काली मिर्च को हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, थोड़ा सा हमें इसको हीट देना है ताकि इसको पीसने में हमें प्रॉब्लम ना हो। अब इसी गर्म तवे पर हम डाल देंगे काजू और ये बादाम के पीसेस, इनको हल्का सा हिला लेंगे। इनको हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा खुशबू आने तक इनको तवे पर रहने देना है। अब इनको भी निकाल देंगे हम। ये देखिए सारे मसाले हमारे ठंडे हो चुके हैं, जो ड्राई फ्रूट वगैरह लिए थे हमने गर्म करके वो भी सब ठंडे हो चुके हैं। इसी के साथ ही हमने ये पिस्ता जो लिए थे उनको भी हमने छील करके रख लिया है। अब हम इनका पाउडर तैयार करेंगे, उसके लिए हमने ग्राइंडिंग जार ले लिया है और इन सारी चीज़ों को इसमें हम डाल देंगे। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे ये केसर के लच्छे और ये सूखी हुई गुलाब की पंखुड़ियाँ भी हम इसमें ऐड कर देंगे, और इसका हम पाउडर तैयार करेंगे। अब
ये देखिए हमारा ठंडाई पाउडर बनकर के तैयार हो चुका है। यहाँ पर ये पाउडर हम बना करके रख लेते हैं इसी तरीके से, और इससे हम कभी भी अपनी ठंडाई तैयार कर सकते हैं। ये पाउडर आप एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज में रख लीजिए, लगभग 1 से 1.5 महीने तक ये पाउडर आपका ख़राब नहीं होने वाला। और जब भी आपका दिल करे ठंडाई पीने का, फटाफट से ये पाउडर लीजिए और अपनी ठंडाई बना लीजिए। पाउडर हमारा तैयार हो चुका है, अब हम ठंडाई बनाएंगे अलग अलग फ्लेवर में। सबसे पहले जो हम ठंडाई बनाने जा रहे हैं वो है हमारी रोज़ फ्लेवर में, यानी गुलाब ठंडाई। तो उसके लिए हमने यहाँ पर कुछ सूखी पत्तियाँ और कुछ ये हरी गुलाब की ताज़ी पत्तियाँ ली हैं। इसको हम ग्राइंडिंग जार में डाल करके इसका हम पेस्ट तैयार करेंगे। जिसमें हमने ठंडाई पाउडर बनाया था उसी जार में हमने इन गुलाब की पत्तियों को इस तरीके से डाल दिया है। इसमें ये जो पोर्शन रहता है गुलाब का, इसको हमें हटा देना है। पीछे वाला पोर्शन हमें इसका ठंडाई में यूज़ नहीं करना है, और इसके बीज वगैरह भी यूज़ नहीं करने हैं। अब इस जार में हम डाल देंगे लगभग आधा कटोरी मिल्क, और इस मिल्क के साथ हम इसको पीसेंगे। ये देखिए गुलाब का ये हमारा दरदरा पेस्ट तैयार हो चुका है। अब हम इसको एक जार में निकाल लेंगे। जो पेस्ट हमने तैयार किया था उसको हम इस जार में निकाल लेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसमें। गुलाब हमारे दिमाग को भी शांत रखता है और हमारे दिमाग की कार्य शक्ति को भी बढ़ाता है। उसके अलावा देखने में तो ये बहुत ही सुंदर लगता है। अब इस जार में हम डाल देंगे ये 1 गिलास दूध। हम यहाँ पर 1 गिलास ठंडाई बना रहे हैं। अब जो हमने ठंडाई मसाला तैयार किया था वो 1 टेबल स्पून भर करके हम इसमें ऐड कर देंगे। इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून भर करके ये पाउडर शुगर, और इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। अब जो हमने ठंडाई तैयार की है उसको हम इस ग्लास में डाल देंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है गुलाब का इसमें, और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आया है। अब हमने इसके ऊपर कुछ ताज़ी पत्तियां ली हैं डालने के लिए, इनको हम इसके ऊपर डाल देंगे। इससे हमारी गार्निशिंग हो जाएगी। वाव, ये देखिए कितनी टेस्टी, कितनी कलरफुल और कितनी फ़ायदेमंद गुलाब ठंडाई हमारी बनकर के तैयार हो चुकी। अब हम बनाएंगे दूसरे फ्लेवर में अपनी ठंडाई। अब हम बनाएंगे केसरिया ठंडाई। उसके लिए हमने अपना जार ले लिया है। इसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून भर करके ये पाउडर शुगर। आप अपने स्वाद के अनुसार ही लें, स्वादानुसार। उसके अलावा हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून भर करके ये ठंडाई मसाला, थोड़ा सा और। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये 1 गिलास ठंडा मिल्क, और अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये केसर वाला दूध। इसमें हमने गर्मा गर्म दूध में लगभग 10 से 12 केसर के लच्छे डाल करके इस तरीके से भिगोकर ले लिया है। ये देखिए अच्छे से हमारा केसर दूध के साथ मिक्स हो चुका है। अब हम इसको इसमें ऐड कर देंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। वाओ, ये लीजिए हमारी तैयार हो गई केसरिया ठंडाई। अब अपनी इस केसरिया ठंडाई को हम इस ग्लास में सर्व करेंगे। वाओ, ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है हमारी ठंडाई का। बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ठंडाई हमारी बनकर के तैयार हो चुकी है। अब इसके ऊपर हम कुछ लच्छे और डाल देंगे इस तरीके से सर्व करने से पहले। बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में ये। वाओ, ये लीजिए हमारी केसरिया ठंडाई बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम दूसरे फ्लेवर में ठंडाई तैयार करेंगे। अब हम बनाएंगे पान ठंडाई। उसके लिए हमने यहाँ पर 2 ये हरे हरे पान के पत्ते ले लिए हैं। अगर आप ज़्यादा मात्रा में ठंडाई बना रहे हो पान वाली, तो ज़्यादा पत्ते लेने पड़ेंगे। हम यहाँ पर 1 गिलास ठंडाई बनाएंगे पान ठंडाई, तो उसके लिए हमने यहाँ पर 2 ये ताज़े पत्ते ले लिए हैं। इनको तोड़कर हम इनको मिक्सी में डाल करके इनका हम पेस्ट तैयार करेंगे।
ये देखिए इनका हार्ड पोर्शन इस तरीके से हमें हटा देना है और इस तरीके से हमें इनको तोड़ लेना है। अब हम इनका पेस्ट तैयार करेंगे। ये देखिए पत्तियों को इस तरीके से हमने तोड़ करके ग्राइंडर में डाल दिया है। इसमें हम थोड़ा सा मिल्क ऐड कर देंगे। अब हम इसका पेस्ट तैयार करेंगे। ये देखिए पान के पत्ते हमारे पिस चुके हैं। अब हम इस जार में इनको डाल देंगे और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे अपना बचा हुआ मिल्क। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये ठंडाई मसाला 1 टेबल स्पून भर करके, ये लीजिए। और इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। शुगर डालने के बाद इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। ये देखिए इसमें पिस्ता वाला कलर आया है। अगर आपको ज़्यादा कलरफुल पीनी हो, यानी कि डार्क ग्रीन पीनी हो, तो आपको इसमें कलर ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो ओरिजिनल कलर हमारा यही आता है जो मेरे इसमें आया है जार में। अब हम अपनी ग्लास में इसको सर्व कर लेंगे। वाओ, ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है ये ठंडाई पीने में। इसको ज़रूर से ट्राई करिएगा। ये देखिए पान ठंडाई भी हमारी बनकर के तैयार हो चुकी है। वाओ, ये देखिए कितने अच्छे से हमने तीनों ठंडाइयाँ भी बना ली हैं। हमारा पाउडर भी बन चुका है। मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल इंडियन फूडी फूडी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लाइक और शेयर करें मेरे वीडियोज़ को, बहुत मेहनत से बनते हैं वीडियोज़। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू।